पत्रकार समाज की तस्वीर दिखाने का माध्यम होते हैं। समाज की तस्वीर सरकार की नज़र में लाना और सरकार की पॉलिसी को जनता में अवगत कराने का कार्य भी पत्रकार करते हैं। लेकिन बात जब वेतन और सुरक्षा की आती है तो यह सवाल काफ़ी कठिन हो जाता है। पत्रकार निःशुल्क समाज सेवा करता है और सुरक्षा भी खुद ही करता है। अभी वर्तमान में कुछ माहौल ऐसा पैदा हो गया है जहाँ पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन सब के बाद सवाल रह जाता है पत्रकारों की सुरक्षा का। 5 तारीख को हमला हुआ था, रात में बदमाशों ने हमला किया था, उसको लेके धरना प्रदर्शन किया गया। हम लोगों की मांग थी कि सुरक्षा दी जाए, गुंडे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए चारों को। और हमारे सभी बड़े भाइयों ने वार्ता की है कि 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है, प्रशासन को 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन में अगर वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और हम लोग सभी एक हैं, पत्रकार सब एक हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे आके सभी लोग एक हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमें सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है, हम लोगों की जो मांग थी और हमारे भाइयों की मांग थी कि चौकी इंचार्ज ने उसमें गड़बड़ किया है तो उनको भी हटाने का कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। इन सब के बाद सवाल रह जाता है पत्रकारों की सुरक्षा का। अभी हाल ही में जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में कुछ दिन पूर्व एक पत्रकार साथी योगेश पर कुछ दबंग शराबियों ने हमला कर दिया। पत्रकार ने इसकी तहरीर पुलिस को दी, जिस पर कोई तत्कालिक कार्रवाई होते न देख क्षेत्र के पत्रकारों ने रोष जताया और कोतवाली गेट पर धरना प्रदर्शन किया। यहां पत्रकारों ने चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग रखी। इसी के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े किए। उधर प्रशासन ने दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने धरना समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि देश में पत्रकार सुरक्षा को लेकर कई वादे होते रहते हैं, लेकिन ये वादे हकीकत में कितना सफल होते हैं, चर्चा का विषय है।